फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा पर उनकी पत्नी अभिनेत्री यास्मीन ने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पति ने कार से टक्कर मारते हुए उसे जान से मारने का प्रयास किया है। शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इसका ये सीसीटीवी भी फुटेज सामने आया है। बता दें कि पुलिस अधिकारी से मिली जानकारी के अनुसार 19 अक्टूबर को उपनगर अंधेरी में एक आवासीय भवन की पार्किंग में कमल मिश्रा की पत्नी घायल हो गई थी। वहीं घटना के सीसीटीवी फुटेज में कमल मिश्रा अपनी कार से पत्नी को मारते हुए नजर आ रहे हैं और वो जमीन पर गिर चुकी हैं। अम्बोली थाना अधिकारी के अनुसार फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा की पत्नी ने अपने पति के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। अम्बोली पुलिस स्टेशन में फिल्म निर्माता कमल किशोर मिश्रा के खिलाफ आईपीसी की धारा 279 और 338 के तहत अपनी पत्नी को कार से मारने पर केस दर्ज किया गया है। यास्मीन का दावा है कि घटना के बाद उसे सिर में चोट लगी थी। आरोपी की तलाश की जा रही है, आगे की जांच जारी है। वहीं मिली शिकायत के अनुसार पुलिस ने कमल मिश्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता के संबंधित धाराओं के अंतर्गत अम्बोली में FIR दर्ज करवाई है। इसे लेकर आगे की कार्रवाई जारी है।